मल्होत्रा शिक्षकों ने सचिव से मुलाकात कर अवगत कराया, सरकार अब ये करने जा रही है, सरकार का प्लान ये क्लियर लगभग हो चुका है और अभ्यर्थियों का अब ये प्लान है जीत की उम्मीद के साथ में। तो मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट कुल ऑनलाइन में। तो शुरुआत करने से पहले समस्त देशवासियों को या सभी जो वीडियो देख रहे हैं उनको हिंदू नववर्ष विक्रम संवत या ऐसी की हार्दिक शुभकामनाएं और भारतीय नववर्ष जगत जननी माँ के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबका काम बनाए और सबकी इच्छा पूर्ण करें, इसी उम्मीद के साथ आज आगे की वीडियो में बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं आज की जो प्रकाशित न्यूज के अनुसार क्या आया है। तो इस न्यूज में स्पष्ट दे रखा है, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देंगे अभ्यर्थी, लखनऊ से बड़ी खबर है। 69 या सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी में बैठक की। इसमें 15 जिलों के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिरकत की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों का आरक्षण घोटाला किया गया है। वे लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से संतुष्ट नहीं है, जल्द ही इस आदेश को डबल बेंच हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल व गणेश कुमार से मिलकर उन्हें अवगत करा चुके हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें जैसा शासन से निर्देश मिलेगा वह उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप, संरक्षक भास्कर सिंह यादव, राजेश कुमार, पुष्पेंद्र सिंह जैला, रवि निषाद, राम विलास यादव, बीपी जसूजा, मायापति यादव, रविंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। तो इन सबकी उपस्थिति में अभ्यर्थियों का मानना है अब डबल बेंच में चुनौती देना कंपल्सरी बन गया है, क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं सरकार की तरफ से, सरकार चाह रही है कि लिस्ट को रिविजिट किया जाए, क्योंकि आंसर की प्रकरण में जो उन्होंने जवाब दिया है कि 3 महीने का समय मांगा है कि आंसर की को जो लिस्ट को नृत्या शिक्षक भर्ती की रिविजिट करके दोबारा से लिस्ट बना के कट ऑफ में जो भी उत्तर कुंजी प्रकरण के साथी हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा, जो भी अभ्यर्थी हैं। तो इसका मतलब है कि और जो 27-21 की पूर्ण आरक्षण की मांग कर रहे हैं भास्कर यादव की टीम, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये लिस्ट को रिविजिट हो जिससे कि उनको नुकसान होगा, और वो चाहते हैं कि डबल बेंच में इसको चैलेंज किया जाए जिससे कि उनको 19,000 पूरी सीटें मिल पाएंगी। तो ऐसा उनका सोचना है, मानना है, अब सरकार क्या करती है। फिलहाल वो जल्द ही डबल बेंच में याचिका दाखिल कर रहे हैं और फिर उसे उस पर डबल बेंच का क्या प्रतिक्रिया रहेगी क्या होगा, तो जल्द ही 1-2 दिन में केस रजिस्टर करा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार अब डबल बेंच जाने की पक्षधर है नहीं। सरकार चाह रही है लिस्ट को रिव्यूट किया जाए। आपका क्या मानना है या 6800 साथियों का क्या मानना है वो कमेंट में जरूर करके बताएं, और 19,000 सीट के अभ्यर्थी जो भी वीडियो को लाइक शेयर कर दें जिससे कि सभी को जानकारी मिल पाए, और अपनी अपनी राय जरूर कमेंट में बता दिया करो जिससे कि आपकी बात को आगे तक लिया जा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।